आप जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्व जो होते हैं या क्रिया करने वाले जो तत्व होते हैं उनका कुल द्रव्यमान, प्रोडक्ट या उत्पाद जिसे हम कहते हैं, उन तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस दृष्टि से जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसलिए किसी भी समीकरण को संतुलित किया जाना बेहद जरूरी है। अब कैसे करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित? आइए हीट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। सबसे पहले कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हमें शब्द समीकरण के रूप में लिख लेना चाहिए। जैसे यहां देखिए, जो मीथेन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। तो जो अभिकारक है वो है मीथेन और ऑक्सीजन, उन्हें हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और जो उत्पाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, उन्हें हम राइट साइड में लिखेंगे। अर्थात हम अपने लेफ्ट साइड में अभिकारकों को लिखेंगे और राइट साइड में उत्पादों को लिखेंगे। और इन्हें लिखने का तरीका यह रहेगा कि इन्हें शब्द रूप में ही लिख लेंगे। जैसे आपसे कहा गया कि मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं, तो मीथेन और ऑक्सीजन को आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ये हमारे अभिकारक हो गए, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को हम राइट साइड में लिखेंगे, ये हमारे उत्पाद हो गए, और बीच में इस प्रकार से एक तीर का निशान लगा देंगे। अब हमें इस शब्द समीकरण को, इस समीकरण के संकेतों और सूत्रों के रूप में इन्हें लिखना है। तो सूत्र रूप में लिखने के लिए हमें मीथेन का सूत्र लिखना होगा। तो मीथेन का सूत्र है CH4 प्लस ऑक्सीजन का सूत्र है O2, फिर ये जो हमारा एरो है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2 और प्लस पानी का सूत्र है H2O। तो हम इन्हें सूत्र रूप में लिख देंगे। अब देखिए, मैंने यहां सूत्रों को बॉक्स में बंद कर दिया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है? मतलब हम समीकरण को जब भी संतुलित करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हमें इन बॉक्सेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। मतलब बैलेंस करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फार्मूला चेंज नहीं होंगे, अर्थात सूत्रों में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब ये जो स्ट्रक्चर एक बार लिख दिया गया है कि मीथेन CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पानी H2O, तो आपको समीकरण बैलेंस करते समय इस स्ट्रक्चर में कोई, इस सूत्र में कोई बदलाव नहीं करना है, अर्थात इन बॉक्सेस के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। तो फिर कहाँ होगा? अगर कुछ अभिकारक और उत्पाद में या लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ बदलाव होंगे तो वह इनके आगे यहां लिखे जाएंगे। इन बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे? अब ये जो समीकरण है जिसे हम असंतुलित समीकरण कह रहे हैं, उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे कि समीकरण में जो उपस्थित अलग-अलग तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो जैसे यहां पर आप देखिए, ये तत्वों को हम देख रहे हैं, तो जैसे ये तत्व है कार्बन, यहां देखिए तत्व कार्बन, तो इसमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या
तो यहां कार्बन में कितने परमाणु हैं, कार्बन के एक हैं LHS में, है ना। ये अभिकारक दो, ये अभिकारक जो लेफ्ट साइड में है और ये उत्पाद जो राइट साइड में है। तो अभिकारक में परमाणु की संख्या कार्बन में कितनी है, एक है, और उत्पाद में परमाणु की संख्या कार्बन में कितनी है, तो यहां भी देखिए एक है, है ना। यहां कार्बन केवल यही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो यहां उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है। चलिए अब हम दूसरे तत्व को लेते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन। तो यहां देखिए अभिकारक में परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन की कितनी है, ये देखिए H4 लिखा है, ये चार है, ये चार लिखा हमने। और यहां देखिए यहां नहीं है, यहां देखिए H2 लिखा है। तो यहां उत्पाद में परमाणुओं की संख्या या राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या जो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है वो दो है। अब ऑक्सीजन पर आइए, है ना, इसमें सी एच और ओ तीन ही है। तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या दो है और यहाँ उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दो और एक तीन है। देखिए यहाँ O2 में दो हो गया और यहाँ ओ लिखा है, दो और एक तीन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सी जो तत्व है, कार्बन जो तत्व है, उसमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या ये यहाँ देखिए एक है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या भी यहाँ देखिए एक है। जो H है हाइड्रोजन है, उसके अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है वो चार है और यहाँ ये उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दो है। और O में अगर अगर हम देखें ऑक्सीजन में, तो यहाँ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या दो है और यहाँ उत्पाद में परमाणुओं की संख्या तीन है। अब हम सबसे पहले किसे संतुलित करेंगे, तो देखिए यहां ये कन्वीनियंट रहेगा, सुविधाजनक रहेगा कि सबसे पहले हमें जो अधिक परमाणु वाला यौगिक है उसे संतुलित करना चाहिए। तो अधिक परमाणु वाला यौगिक जो है हमारा वो है, यहां देखिए इन सब में, तो हम कहेंगे कि अधिक परमाणु वाला यौगिक हमारा है CH4 मिथेन। तो सबसे पहले हमें उसे ये कन्वीनियंट रहेगा कि हम उसे संतुलित करें, चाहे वो किसी भी तरफ लिखा हो, वो चाहे LHS में लिखा हो चाहे RHS में लिखा हो। जैसे यहाँ ये हमने अभी कहा कि ये CH4 या मेथेन जो है ये अधिक परमाणु वाला है, तो इसमें भी फिर इसका जो ये हाइड्रोजन तत्व है हम इसे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें भी परमाणुओं की संख्या अधिक है, तो हम इसमें हाइड्रोजन सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम हाइड्रोजन परमाणु को ही संतुलित करेंगे। तो देखिए अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए देखें कि यहां देखिए कि ये हाइड्रोजन, तो LHS में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभी हमने देखी थी कितनी थी, चार थी, और जो कि CH4 के अंदर है। और RHS में या उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दो है जो कि H2O में है। तो यहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहां देखिए ये चार है और यहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो है, और ये चार किसमें है, ये CH4 में है और दो किसमें है, तो ये H2O में। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या चार और यहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो है। तो अगर हम इस तरफ दो से मल्टीप्लाई कर दें, दो से गुणा कर दें, तो फिर क्या होगा कि दो से इस तरफ गुणा कर देने पर हमें ये देखिए हमारे लिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। जैसे हम यहां से दो से मल्टीप्लाई कर दें, इस जगह देखिए आप, तो ये 2H2, तो ये H4 हो जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें सबसे पहले इसी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। देखिए ये यहां हमें कोई फर्क नहीं करना है CH4 प्लस O2, है ना, क्योंकि यहां ऑलरेडी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमारी कितनी है, चार है। तो ये CH4, ये देखिए CH4, ये प्लस O2, और हमने ये एरो, और ये देखिए ये हम CO2 को भी वैसा ही लिख रहे हैं क्योंकि यहां भी कोई बदलाव नहीं है, और ये देखिए ये प्लस और ये आपका हुआ 2 जो है हमने यहाँ लगाया है, 2H2O हो गया। तो 2H2O होने से क्या हुआ है कि यहां ये देखिए ये 2H2O होने के बाद अब देखिए कि यहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या H2O में दो थी, तो अब ये देखिए H2O के आगे 2 लगा देने से ये 2H2O हुआ, और इस तरह से ये हाइड्रोजन कितने हो गए, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है यहां भी कितनी हो गई है, चार हो गई है। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित कर लिया है। चलिए अब आगे आते हैं।
तो हमने यहां ये हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित कर लिया, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। अब हम फिर से यहां देखते हैं कि क्या ये अभी बैलेंस हुई है क्या, चलिए इसको देखते हैं। तो यहां आप देखिए कि यह भी हमें लग रहा है कि यह समीकरण अभी बैलेंस नहीं हुई है, यह असंतुलित समीकरण है। क्यों असंतुलित है कि इसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक बार और लिख कर देखते हैं। ये देखिए वही तत्व हम सिलेक्ट करते हैं कार्बन, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है कार्बन यहां कितनी है, एक है। ठीक है, हाइड्रोजन को अभी हमने बैलेंस किया था, तो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन तत्व में जो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है हाइड्रोजन के वो चार है CH4, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो देखिए 2H2, तो ये भी कितनी है, चार है। अब यहाँ ऑक्सीजन में देख लीजिए, ऑक्सीजन तत्व जो है उसके अभी उसमें जो अभिकारक में उसके परमाणु की संख्या है वो दो है, और उत्पाद में उसके परमाणु की संख्या देखिए तो ये CO2 में दो यहाँ है और 2H2O में दो यहाँ है, तो दो और दो कितनी है, चार है। तो यहाँ अभी देखिए कि हमें लग रहा है कि ये ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है, यहाँ दो है और यहाँ कितना है, चार है। तो हमें ऑक्सीजन परमाणु को अब संतुलित करना चाहिए, तो हम ऑक्सीजन परमाणु को चलिए संतुलित करेंगे। तो ये देखिए ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, और यहाँ कितने हैं, दो और दो चार हैं, तो हमें यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए इस जगह। तो हमें इसमें कोई फर्क नहीं डालना है, अब इसमें भी कोई फर्क नहीं डालना है, इसमें भी कोई फर्क नहीं डालना है, इसमें भी कोई फर्क नहीं डालना है, फर्क डालना है अब इसमें। तो यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, टू से होगा, तो चलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2O2 CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। अब आप इसको ध्यान से देख लीजिए इस समीकरण को, कि हमने यहाँ क्या बैलेंस कर दिया, हमने यहाँ ये अभिकारक में जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या थी वो हमने बैलेंस कर दी है। और अब हम अगर इसको देखते हैं दोनों तरफ के परमाणु की संख्या देखें, तो अभिकारक में परमाणु की संख्या कार्बन की एक है, ये देखिए एक, और उत्पाद में भी परमाणु की संख्या एक है। हाइड्रोजन के लिए देखें तो यहाँ चार हैं, यहाँ हाइड्रोजन के लिए देखिए 2H2 के हिसाब से यहाँ भी हो गया चार, और ऑक्सीजन के लिए देखें तो यहाँ 2O2 तो ये हुआ चार, और यहाँ देखिए O2 ये CO2 का O2 तो यहाँ दो यहाँ से, और ये 2H2O में ये 2 ये दो O यहां से, तो ये उत्पाद में भी ये परमाणु की संख्या चार हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये कार्बन एक एक, हाइड्रोजन चार चार, ऑक्सीजन चार चार। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि ये जो समीकरण है ये समीकरण हमारी कौन सी समीकरण हो गई है, एक बैलेंस समीकरण हो गई है, क्योंकि इस समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः समीकरण एक संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार हम संतुलित समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि इसे हमें भौतिक अवस्था के जो इनके संकेत है वो भी हमें इसमें लिख देना चाहिए, जैसे जो मिथेन है वो गैस है तो हमें उसमें जी लिख देना चाहिए उसके ब्रैकेट में आगे, और ऑक्सीजन भी यहाँ गैस है तो यहाँ भी हम गैस के लिए जी लिख रहे हैं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है तो हमने उसके लिए भी जी लिख दिया, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि H2O आपको लग रहा होगा कि वो तो लिक्विड है और आपने उसमें गैस लिख दिया है। तो कभी कभी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जल जो है वो भाप अवस्था में प्राप्त होता है या भाप अवस्था में यूज भी होता है, तो वहाँ पर भी कभी कभी जी लिखा रहता है, तो हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो वाटर वेपर या स्टीम के रूप में भी कभी कभी हमें जल या तो मिलता है या जल हम यूज़ करते हैं तो वहाँ कई बार जी लिखा होता है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वो वहाँ जी लिखना ही होगा क्योंकि वो फिर लिक्विड नहीं है, वो फिर क्या है, वो या तो वाटर वेपर है या स्टीम है। और इस तरह से हीट भी प्रोड्यूस होती है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसमें हीट भी निकलती है।
तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जब आप भौतिक अवस्था के संकेतों के रूप में इसे लिख देंगे तो ये कहलाएगी कि इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिक इक्वेशन यू कैन से। तो ये बहुत ही ज़्यादा सूचना देने वाली और अच्छी समीकरण कही जाएगी। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित कर सकते हैं। धन्यवाद।